तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन सुन लीजिए भैया, क्या सब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस धरती का, कुछ कुछ चीजें मैं बताते चलूं, फिर देख लेंगे इसमें है या नहीं, और बाकी चीजें अगर कुछ छूटता है तो आप लोग पढ़ेंगे, है ना। एनसीईआरटी बताए दिया सब कुछ। तो ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, सॉरी लाइटेस्ट एलिमेंट एंड लाइटेस्ट गैस भी है। ये क्या, लाइटेस्ट गैस भी है, ठीक है, नेचर में पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का एलिमेंट हल्का गैस है। इसका पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है, ये एस ब्लॉक में भी जा सकता है और ग्रुप नंबर 18 में भी जा सकता है, यानी इनर्ट पी ब्लॉक में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये प्रॉपर्टी रख लेता है एस ब्लॉक वाला अल्कलाइन अर्थ, सॉरी, एक लूज कर दे तो ये बन सकता है हीलियम सब की तरह इनर्ट, है ना। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, नो रिएक्शन। बट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये बन जाएगा बेरिलियम सब की तरह। किसकी तरह बन जाएगा? बेरिलियम सब की तरह, ठीक है। तो इसके इसको लेके काफी विरोधाभास है इसकी प्रॉपर्टी को लेके, इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि आप इसको एस ब्लॉक में मत पढ़ो, आप इसको अलग से पढ़ लो। तो हम बोलते हैं ठीक है, जब एनसीईआरटी बोल रहा है तो ठीक। तुम्हें शायद पता ही होगा कि इसके न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन नाम का कोई चीज नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, पता है सबको। इसीलिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। सिंपल। इसके तीन आइसोटोप्स पाए जाते हैं, मैंने बताया था मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में कि नेचर में एक्चुअली में कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता, उसका आइसोटोप ही पाया जाता है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक को क्या कहते हैं प्रोटियम, दूसरे को कहते हैं ड्यूटेरियम, क्या कहते हैं दोस्त उसे, कहते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे को कहते हैं ट्रिटियम। तुम बोलोगे तीनों में अंतर क्या, तीनों में बस मास का अंतर है। इसमें एक है प्रोटोन, एक प्रोटोन है, इसमें दो है प्रोटोन, इसमें तीन है प्रोटोन, इसीलिए इसका मास है 3, इसका है 2, इसका है 1, ठीक है। बताइए, एक सवाल पूछा गया था नीट में, और वो भी 2 बार पूछा गया था कि ट्रीटियम कौन से पार्टिकल को एमिट करता है, तो बीटा पार्टिकल को। कौन सा? बीटा पार्टिकल, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है दोस्त? ये होता है रेडियो एक्टिव नेचर का। और दूसरा सवाल क्या पूछा गया था, दूसरा सवाल पूछा गया था बीटा पार्टिकल कौन एमिट करता है, तो ट्रीटियम। एक बार ऐसे और एक बार ऐसे सवाल पूछा था, ओके, गॉट इट। बताइए नेचर में सबसे ज्यादा कौन पाया यस जाता है, तो 99.99% ये पाया जाता है, ये वाला। बाकी जो 0.01% है उसमें ये दोनों पाए जाते हैं, ये दोनों मैंने बोला। इसका थोड़ा सा अंदाजा मैं इस हिसाब से दे सकता हूँ कि अगर 10 का पावर 18 इतने मॉलिक्यूल होंगे इसके, हाइड्रोजन के, प्रोटियम के, तो एक मॉलिक्यूल होगा उस पूरे भीड़ में ट्रिटियम का। समझ में आया कितना कम है, 10 का पावर 18, सोच लो भाई, ऐसा कुछ है, ठीक। तो ड्यूटेरियम भारी होता है हाइड्रोजन के मुकाबले, और ट्रिटियम उससे भी ज्यादा भारी होता है। यूनिवर्स में तुमको पता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम बहुत पाया जाता है, अबंडेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, ठीक है। हम लोग जब भी पढ़ाई करेंगे या कुछ भी करेंगे तो प्रोटियम का ही करेंगे, देख रहे हो 99.99% यही है, बोलोगे अच्छा हाँ यही तो है, ठीक है। हम अब चलते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, मैं बता दूं, एक चीज मैं बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद क्या ले लेते हैं, मास ले लो, उसके बाद तुम ले लो बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद तुम ले लो न, 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 उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी ले लो, मान लो बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, उसके बाद ले लो क्या, वेपराइजेशन एंथैल्पी, जितना सारा चीज ले सकते हो ले लो। और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या चीज, वो देख लो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम। हाइड्रोजन प्रोटियम को हाइड्रोजन ही लिखते हैं, प्रोटियम को एच लिखते हैं, ड्यूटेरियम को डी लिखते हैं, ट्रिटियम को टी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटियम ही होता है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि 99.99% पाया जाता है। तो ऊपर से जब नीचे जाओगे ना, मॉलिक्यूलर, ध्यान से सुनना, सॉरी, मास और एमपी है ये, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी सब कुछ बढ़ेगा। हम बोल रहे हैं जब हाइड्रोजन से ट्रिटियम की तरफ जाओगे तो हर चीज बढ़ेगा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। पता है क्या चीज को छोड़ के? इनका अकरेंस। अकरेंस किसका सबसे ज्यादा होता है? इसका, फिर इसका, फिर इसका, बाकी जो भी चीज देखोगे सब नीचे। बोलो, बताइए, बोलो बोलो बच्चों, बोलो। हाँ सर,
ठीक है, तो अब मैंने ट्रिक बता दिया, कुछ भी पूछ ले, मेल्टिंग पॉइंट, मास, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंथैल्पी, वेपराइजेशन एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी, कुछ भी बोल दे, डेंसिटी, कुछ भी पूछे, तुम सीधे बोल देना कि भैया हाइड्रोजन का कम, ड्यूटेरियम का ज्यादा, ट्रिटियम का उससे ज्यादा, अकरेंस को बस छोड़ के कुछ भी पूछे, नीचे आना ट्रिटियम की तरफ, सब कुछ ज्यादा ज्यादा ज्यादा। बोलो कैसा लगा ट्रिक? ठीक था, ठीक था, बोलो यार। आइसोटोपिक हाँ इफेक्ट मैंने बता दिया। ओके, अब सीधा चलते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किन के? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, जब भी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कौन से मेटल, ये हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना, खास करके उनका जिनका एसआरपी का वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तुम लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा होगा, एक तुम लोगों ने बचपन में एक केस पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, क्लास 9 10 में पढ़ाया जाता है ना साइंस में, केमिस्ट्री में, रिएक्टिविटी सीरीज। तो वहां पे एक होता है हाइड्रोजन और कुछ होते हैं उसके ऊपर वाले मेटल्स और कुछ नीचे वाले मेटल्स होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इस हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं ना, इस चीज को पूरे को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे जहां पे एसआरपी का वैल्यू गिवन होता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन अगर करवा दोगे इसके साथ, है ना, उसके एसिड के साथ, तो वहां से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे और खुद अपना बना लेंगे सल्फेट या जो भी। अब देखो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है, ये इसमें, ये मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ है आयरन और यहाँ है कॉपर, तो कॉपर का रिएक्शन करवा के देख लो, कुछ नहीं होगा, यही मैं बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन के जो नीचे है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा, जो इसके ऊपर है निकाल देगा। कैसे लिस्ट पता चलेगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और H2 गैस बना दिया, बताइए कोई दिक्कत है? ये जो भी पढ़ रहे हो सब लैब प्रिपरेशन है, सब लैबोरेटरी वाला है, ये भी लैब ही प्रिपरेशन है, ये भी लैब प्रिपरेशन है। जिंक क्या होता है? हाइड्रोजन से ऊपर करवा दो रिएक्शन, बन जाएगा, कोई दिक्कत बताओ? ठीक नहीं है, आइए आगे चलें। अब बात किया जा रहा बाई अल्कलीज, अल्कलीज में बात किया जाएगा बेरिलियम का, जिंक का, एल्यूमिनियम का, SnPbSi, ठीक है, ये सब एम्फोटेरिक नेचर वाले होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक, यानी ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और एसिड के साथ भी। अभी अभी तुमने देखा ना जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट किया था, अब देखो बेस के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा दे, दिख रहा है दोस्तों? बोलोगे हाँ दिख तो रहा है, तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, तो ये देख लो ये सब। जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, याद आ रहा है ना? बोलोगे हाँ, जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ट्रिक बताए थे। अब कुछ कुछ डेटा की मैंने, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है ना, कि रिएक्शन कैसे करेगा, इतने डिग्री पे, इतने डिग्री पे, इतने डिग्री, इतना अगर याद रख लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग सीधा पढ़ेंगे हाइड्रोजन को कॉमर्शियल पर्पस पे कब बनाए, कैसे बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस में आइए। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है? इलेक्ट्रोलाइसिस, एक सेकेंड, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ नहीं करते, पानी तोड़ते हैं, क्या करते हैं? पानी को तोड़ देते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, तो हम क्या करते हैं H2O को, H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, हाँ थोड़ा सा एसिड उसमें डाला रहता है, ठीक है, एक दो बूंद हम एसिड डाल देते हैं और जैसे ही पास करवाते हैं तो क्या होता है, O2 अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है, ठीक है, एक होता है कैथोड, कैथोड पे चला जाता है H2, एक होता है एनोड, एनोड पे चला जाता है O2, एनोड होता है पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव वाला जाता है, ये होता है नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव वाला जाता है, बताइए कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए अब ध्यान से सुनते जाइएगा। इसके अलावा हम एक और तरीका अपना सकते हैं इसको करने के लिए, एक और तरीका हम अपनाते हैं इसको करने के लिए। हाइड्रोकार्बन का दिया, बेरियम का नहीं दिया है क्या, क्योंकि एनसीईआरटी में वो भी बना। चलो मैं बताता हूँ फिर, ठीक है, मैं क्या करता हूँ बताता हूँ। अच्छा ये स्टेप्स दिया है कि कैसे कैसे होता है, मैंने डायरेक्ट बता दिया है ना, ये स्टेप्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता ही दिया इस चैप्टर का वजन कितना है क्या। ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं,
बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, BaOH होल ट्वाइस, हम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और इसको इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है H2 गैस। ये 99.95% प्योर होता है, ठीक है, 99.595%। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, निकल का। वैसे मैं बता दूँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं पानी के साथ, ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं पैराइटा वाटर। क्या कहते हैं दोस्त? एनसीईआरटी में दिया होगा, इसे कहते हैं बेराइटा वाटर, ठीक है, इसे कहते हैं बेराइटा वाटर। तो जब आप इसको करते हो इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, तो यहां से इतना परसेंट प्योर हाइड्रोजन मिल जाता है, बताइए कोई दिक्कत है? अच्छा दिया है, देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना विथ निकल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ दिया ही होगा, ये छोड़ेगा नहीं। अब हाइड्रोकार्बन से भी बनाते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन से भी बनाते हैं, जब मीथेन, एक सेकंड, जब मीथेन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, वाटर यहाँ पे वेपर के फॉर्म में होगा, गैस, वैसे भी टेम्परेचर देख के लग ही रहा होगा गैस में होगा, तो हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड विथ H2। इन दोनों को एक साथ जब मिलता है तो हम इसे कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं दोस्त? वाटर गैस। इसे हम लोग सिंथेसिस गैस भी कहते हैं या सिन गैस भी कहते हैं, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत। उसके बाद नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन है उसका अगर पानी के साथ रिएक्शन करवा दें तो भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिल जाता है, तो भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिल जाता है, तुम बोलोगे ठीक है ना। अब आओ एक इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं बॉस प्रोसेस। इसमें कोयला को पानी के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, साथ में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमें जहां यूज करना है एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी यूज कर लेते हैं एज अ फ्यूल। तो ये काफी अच्छा है, ये काफी अच्छा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ फ्यूल, ये क्या है, एक फ्यूल है, तो इसका यूज किया जाता है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ जो बना है ना, इसका फिर से पानी के साथ रिएक्शन करवाओ तो ये फिर से CO2 बनाएगा और H2 बना देगा, ये क्या बनाएगा, फिर से CO2 बना देगा और H2 बना देता है, बताइए कोई दिक्कत? बोलो बोलो, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब एक है लेन्स प्रोसेस, है ना, एक क्या है दोस्त, लेन का प्रोसेस। तो जब आयरन को स्टीम के साथ, है ना, ये थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आयरन जंग बना लेता है, इसको क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, लोहे में जंग वंग लगता है, आयरन ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा देता है। ये कैटालिसिस के प्रो एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करोगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, नहीं तो स्लो होगा, और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, बताइए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बता ही दिए हैं सब कुछ, लाइटेस्ट, कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, थोड़ा बहुत सॉल्यूबल होता है बट हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब देख लेना, ठीक है, ये सब तुम लोग देख लेना। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी तुम लोगों का काम है, देख लोगे, बताओ हो जाएगा। हाइड्राइड्स, चलो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, हाइड्राइड्स बनाते हैं, किस किस के साथ हाइड्राइड बना सकते हैं, ध्यान से सुनना, पहले आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, यानी हाइड्राइड का नेचर के आधार पर मैं बता रहा हूँ। एक होता है आयनिक हाइड्राइड, नेचर कैसा होगा, आयनिक, जो एस ब्लॉक के साथ ये बनाते हैं ना हाइड्राइड, वो कैसा होता है, वो कैसा होता है दोस्त, वो होता है आयनिक, एक्सेप्ट दीज टू, मैंने लिखवाया था लिथियम हाइड्राइड को भी, याद है कि वो तीनों कोवेलेंट नेचर होता है, तो देख लेना एनसीईआरटी क्या कहता है, शायद मुझसे गलती हो गया होगा, एक बार चेक कर लेना, ये दोनों तो कोवेलेंट होता ही है, लिथियम हाइड्राइड को भी चेक कर लेना, ठीक है, गॉट इट? अरे बताइए, इसे कहते हैं सॉल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड, कोई दिक्कत है? इसके अलावा कुछ याद मत रखना, एग्जाम्पल याद रखना है कि जब जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक के साथ हाइड्राइड बनाएगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम को एक बार चेक कर लीजिए एनसीईआरटी क्या लिखती है। उसके बाद है मेटालिक या इंटरस्टीशियल हाइड्राइड, इंटरस्टीशियल नाम से क्या लग रहा है, कोई जगह, खाली जगह, है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि जब डी ब्लॉक का बात करते हैं, डी ब्लॉक, ठीक है, तो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो इसके साथ हाइड्राइड बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मेटालिक या इंटरस्टीशियल हाइड्राइड। मेटालिक मतलब एस ब्लॉक मत समझ लेना, डी ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जैसे हम लिखते थे ना NaH ऐसे करके लिखते थे ना सोडियम हाइड्राइड, ये एक है तो ये भी एक है, बट डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, अगर ये वन है तो ये 1.3 हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा, 0.59 हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है, या तो कम होगा या ज्यादा, यानी ये होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, समझ में आया? बोलोगे अच्छा ऐसा होता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप ऐसे लिखो, 6 7 8 9 ग्रुप नंबर, कैसे लिखोगे, 6 7 8 9 ग्रुप, ये तीनों नहीं बनाते हाइड्राइड, और सिक्स में क्रोमियम नहीं बनाता हाइड्राइड, बोलो कोई दिक्कत, सॉरी क्रोमियम ही बनाता है हाइड्राइड,
सिर्फ क्रोमियम बनाता है, नहीं ये तीन नहीं बनाते हाइड्राइड, और सिर्फ इसमें क्रोमियम बनाता है, गॉट इट? बताइए, ट्रिक है, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं बताइए, कोई सर, दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। ओके, उसके बाद बात करते हैं कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के बारे में, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के बारे में। तो ग्रुप नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर भी, कुछ अलग अलग ग्रुप्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ जिससे पता चल जाएगा कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड के लिए मैं दो तीन चीज लिख देता हूँ, सॉरी सर्दी आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यानी इलेक्ट्रॉन है उसमें लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो ग्रुप नंबर मैं जो बता रहा हूँ वो देखना, ग्रुप नंबर 13, 13 ग्रुप नंबर पी ब्लॉक का, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18 तो बनाता ही नहीं। इसके अंदर जो भी हाइड्राइड आएगा, कौन कौन से आते हैं कंपाउंड्स, जल्दी बताओ, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो ये वाले जो भी बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, यानी उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो क्या होता है, लेविस एसिड। क्या होता है? लेविस एसिड। देखो ट्रिक अच्छा लग रहा है तो भाई बताना। कार्बन, इसमें 14 में क्या होता है, कार्बन फैमिली, यानी काशी गैस, शंकर प्रभु, तो इनमें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है, तो ना ही ये एसिड होता है ना ही बेस होता है, कुछ नहीं होता है। जबकि 15, 16, 17 में, जैसे 15 का बात कर लो तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो जैसे NH3 बना, तो इसके पास लोन पेयर होता है, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाले पार्टी होते हैं, तो जो देने वाले पार्टी पार्टी होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस। बताओ कोई दिक्कत? ये सब के सब कहलाते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, क्योंकि बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट। बताइए कोई दिक्कत, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? ये सब बता दी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच, सब बता दी, खत्म। आओ अब बात करते हैं हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस बता देते हैं। पानी में, सुनो, कोल्ड वाटर, पानी में अगर मैं बोल दूं मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम या कैल्शियम आ जाए, पानी में मैग्नीशियम या कैल्शियम आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या कहते हैं दोस्त? हार्डनेस ऑफ वाटर। बताओ कोई दिक्कत? अब हार्डनेस ऑफ जो वाटर होता है ना वो अलग अलग तरह का होता है, यानी परमानेंट होता है और एक होता है टेम्परेरी। एक क्या होता है, परमानेंट होता है, और एक टेम्परेरी होता है। तो परमानेंट किस वजह से होगा, परमानेंट मैग्नीशियम या कैल्शियम का जब क्लोराइड मिल जाए या सल्फेट मिल जाए, उसे कहते हैं परमानेंट, उसे क्या कहते हैं, परमानेंट। यहाँ पे मैग्नीशियम का मान लो बाइकार्बोनेट मिल जाए, HCO3 नेगेटिव, या फिर हमें क्या मिल जाए इसका, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं टेम्परेरी। बाइकार्बोनेट मिलेगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे टेम्परेरी। और अगर क्लोराइड या सल्फेट मिलता है तो उसे क्या कहेंगे, टेम्परेरी। इसको हटाते कैसे हैं, इसको हटाते कैसे हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में कुछ नहीं करो, बॉइल करो, बॉइल करो, हट जाएगा, है ना, क्या करें, ये टूट जाता है ना, H2 और CO2 गैस बन जाएगा, समझ में आया? ये हार्ड हार्ड करोगे, सॉरी बॉइल करोगे, हट जाएगा। एक होता है क्लार्क्स मेथड, टेम्परेरी में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो बन जाता है वाटर। याद रखना टेम्परेरी में सिर्फ बाइकार्बोनेट होता है, जबकि परमानेंट में क्लोराइड भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, यह है ना, कैल्शियम क्लोराइड है या सल्फेट है, तो यह परमानेंट है। तो जब भी इसको रिएक्शन करवाओगे, एक ट्रिक बता देते हैं, परमानेंट हार्डनेस में हर जगह तुमको कुछ ना कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें सोडियम होगा हर जगह, तो तुम कुछ मत करना, तुम कुछ भी मत करना, तुम यहां से कैल्शियम उठाना और यहां से सोडियम हटाना, दोनों को डिस्प्लेस कर देना, दोनों को हर जगह यही करना, हर जगह मैग्नीशियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम, इसको सोडियम के साथ रिप्लेस करते जाना है। बोलो कैसा लगा ट्रिक, बताइए कैसा लगा ट्रिक, अच्छा है ट्रिक? तो यहां पर भी ये बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, ये वीक मतलब कि टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट, ये परमानेंट, तो इस इन दोनों को इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, यानी कैल्शियम को हटा के देखो, कैल्शियम को इसके साथ ला दो CO3 के पास, और Na को इसके पास ले जाओ, हर जगह यही है, रिप्लेस करते जाओ। तो ये वॉशिंग सोडा वाला मेथड है। दूसरा देख लो, दूसरा कौन सा मेथड है, कैलगन, कैलगन एक मेथड होता है, कैलगन इस कंपाउंड को कहते हैं। तो यहां पर भी क्या करना, सोडियम को हटाना है, कैल्शियम को लाना है, कैल्शियम को हटाना, सोडियम को लाना है, देखो इस सोडियम को हटा के यहाँ पे कैल्शियम लेके आ गया, देख रहे हो, और यहाँ सोडियम, देखा? अब जैसे ये पानी में आता है ये हो जाता है, फिर पानी नॉर्मल हो जाता है,
तो ये कैलगन मेथड था। उसके बाद है परम्यूटाइट प्रोसेस। परम्यूटाइट प्रोसेस भी कुछ नहीं है, है ना, मैं तुम्हें बता दूं, ये कंपाउंड तुम्हें दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ, इसे हम लोग कहते हैं जियोलाइट। क्या कहते हैं इसे? जियोलाइट। अब इसका भी रिएक्शन करवाओगे, है ना, तो यहां से सोडियम गायब हो जाएगा और कौन आ जाएगा? कैल्शियम या मैग्नीशियम। कौन आ जाएगा दोस्त? कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत? अच्छा हाँ एक सर, बात मैं बता दूं, जब तुम ये करोगे तो हमारा जियोलाइट खत्म हो जाएगा, बट उस जियोलाइट को दोबारा बनाया जाता है, उस जियोलाइट को दोबारा बनाया जाता है इसके साथ रिएक्शन करवा के, हमारा जियोलाइट दोबारा बन के तैयार। इस पूरे को तुम बोलोगे सर जेड क्या है? एक इसको एन ए माना है, बाकी सबको जेड मान लिया, एन ए और बाकी सबको जेड मान लिया, उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला कौन लिखे, तो सीधा जेड मान लिया, बताइए बोलो बोलो, कोई दिक्कत? यही है प्रोसेस, यही है जियोलाइट वियोलाइट, यही सर। तुमको नहीं लग रहा होगा सर, सर फास्ट पढ़ा रहे, नहीं इतना ही प्रोसेस है, तो हम क्या पढ़ाएं बताओ, क्या पढ़ाएं? आओ अब है आयन रेजिन मेथड। क्या है? आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, है ना, तो मैं तुम्हें बता दूं, इस कंपाउंड को बनाया जाता है पहले, ये कंपाउंड यहाँ पे कहाँ गया, एने वाला एने वाला एने वाला कंपाउंड पता नहीं क्या, 1 मिनट, रिएक्शन कहाँ दिखाया, यहाँ दिखाया, देखो देखो यहाँ पे न, 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 दिखा 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 यार, 1 मिनट, आयन एक्सचेंज मेथड में दिखाया ही नहीं, क्या दिखा दिया? चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा अपने स्टाइल से बता देता हूँ, है ना। आयन एक्सचेंज मेथड में होता क्या, आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि एक कंपाउंड है RSO3H, है ना, इसका रिएक्शन NaCl के साथ करवाते हैं और बनाते हैं RNA। क्या बनाते हैं? RNA, ठीक है, अल्काइल सोडियम के साथ। इस RNA का हम चाहे मैग्नीशियम या कैल्शियम जिसका भी सल्फेट है या क्लोराइड है उसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं RNA का, तो Na हट जाएगा और MgR आ जाएगा, या फिर जो भी है CaR आ जाएगा, और ये Na इसके साथ जो भी है Cl था तो NaCl बना देगा, सल्फेट था तो NaSO4 बना देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये ऐसे बन जाता है, सिंपल, ये सिंपल है, बताइए कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज सुनो, ये पानी अभी भी प्योर नहीं है, इस पानी को हम चाहते हैं कि एकदम प्योर बना दे, सिर्फ H2O हो उसमें, उसमें क्या हो, सिर्फ H2O हो, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, हम एक अल्केन लेते हैं RH, उसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मेटल के क्लोराइड के साथ, जैसे NaCl बना है ना उसी के साथ करवा दिया, NaCl के साथ रिएक्शन, ये हमको देगा R, इसको मेटल ही मान लो, R मेटल प्लस हमको दे देता है HCl। यस बोलोगे ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से सुनते जाना, यहाँ जो हमको HCl मिला है या जो भी HX मिला है इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एक कंपाउंड के साथ RNH3OH, इसके साथ हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं HCl का, तो हमें मिलता है RNH3Cl, ठीक है, और साथ में मिलता है H+OH। अब ये हट जाता है पानी से और पानी में H+OH आ जाता है जो आपस में जुड़ के बना देता है H2, ठीक है, तो इसकी मदद से हम पानी को 100% प्योर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 100% प्योर, गॉट इट या नहीं गॉट इट, बताइए, ये वही बता रहा है, ये वही वाला प्रोसेस, पानी में H+OH मिलते हैं, पढ़ लेना एक बार, बस रिएक्शन देखना है, ज्यादा इसको टाइम मत देना चैप्टर को, ठीक है, अच्छा अच्छा चैप्टर दो। अब बात करते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर किसको कहेंगे भाई? D2O को कहेंगे। कैसे बनाते हैं? H2O का हाइड्रोलिसिस किया था ना, उसको 7-8 बार कर दो, अपने आप बन जाएगा, कहाँ गया, रेस्पेक्टिव प्रोसेस विल बी इन सोल्यूशन, कहाँ गया, इसको 6 टाइम्स बोला ना, तो वही 6-7 बार कर दो पानी को, तो क्या होगा, H2 हाइड्रोजन उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूटेरियम तो भारी होता है वो पानी के अंदर बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा, हाइड्रोजन फाइनली उड़ जाएगा, सिर्फ बचेगा D2O, क्या बचेगा, D2O, इसको कहते हैं हैवी वाटर, इस प्रोसेस को काफी ज्यादा बार करना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ोगे, क्योंकि सेम होता है, बस एक चीज याद रखना, इसको न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए जहां पे परमाणु संयंत्र है, न्यू यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बिजली पैदा करते हैं, वहां पे इसका यूज किया जाता है हैवी वाटर, इसके बारे में मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है दोस्त, H2O2 होता है, क्या होता है, H2O2, रिडॉक्स रिएक्शन में तुमने पढ़ा होगा, परऑक्साइड उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आए, तो यहाँ पे इसका
बेरियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेरियम ऑक्साइड का पानी के साथ एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा H2O2। हमें क्या मिलता है? H2O2। क्या मिलता है दोस्त? H2O2 मिलता है। बताइए कोई दिक्कत? बोली नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। H2O2 मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल, ये लैब का मेथड था। लैब, अगर तुमको इंडस्ट्रियल मेथड में बनाना है तो इसे हम लोग कहते हैं एंथ्राक्विनॉल, इसे कहते हैं एंथ्राक्विनॉन। तो एंथ्राक्विनॉल को जब O2 के साथ रिएक्शन करवाते हो यानी ऑक्सीडाइज करते हो तो हमें मिलता है एंथ्राक्विनॉन। इस एंथ्राक्विनॉन को फिर से हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो फिर से ये मिल जाता है। तो इससे ये बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं लैब में, सॉरी इंडस्ट्री में। ये है इंडस्ट्रियल मेथड, है ना। और यहाँ बन जाता है H2O2। H2O2 अगर 30% कंसेंट्रेशन के साथ रहता है, पानी और H2O2, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाम ही भूल गए, नाम भूल गए। चलो कोई नहीं, अब नाम भूल गए तो शायद पर हाइड्रोल कहते हैं, देख लेना एक बार, है ना। इसका मेडिकल मेडिसिनल यूज है, मार्केट में भी मिलता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज 50% H2SO4। देखो इसको हम लोग पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, सल्फर का कंपाउंड जब पढ़ेंगे ना तब भी पढ़ेंगे। तो हम लोग जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, उस वक्त ये जनरेट हो जाता है। कहाँ गया ये H2O2? हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, हम लेते हैं H2SO4, है ना। वो टूटता है एच प्लस में HSO4 में, ये दो HSO4 आपस में जुड़ के बना लेता है H2S2O8। क्या बनाता है? H2S2O8। ये H2S2O8 जब इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये H2SO4 प्लस H2SO5, नहीं ऐसा ऐसा देता है। वैसे मैं बताता हूँ ये कंपाउंड कैसा होता है ताकि तुम थोड़ा सा फील ले लो, दिला दे थोड़ा सा फील या छोड़ दे। देखो फील ले लो, एच दिला एस ओ एस एच H2SO4, है ना। ये H2S2O8 कितना है? ऑक्सीजन, अभी दो ऑक्सीजन है ना, H2S2O8 है ना। अच्छा OH लगेगा यहाँ पे, OH OH। अब ठीक है, तो क्या होता है जब पानी देते हो तो एक एच प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाता है, एक एच प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाता है इसके साथ, और दूसरा OH यहाँ पे आके जुड़ता है इसके साथ, सल्फर के साथ OH, और यहाँ पे तो सल्फर यहाँ पे बन जाता है H2SO4। क्या बनता है? H2SO4। और ये बन जाता है, ये पूरा H2O2। क्या बन जाता है? H2O2। पी ब्लॉक में पढ़ोगे इसको, H2O2, और यहाँ H2SO4 बन जाता है। तो जब इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हो तो हमें दो H2SO4 प्लस एक H2O2 मिलता है। बताओ कोई दिक्कत? ये बनाने का तरीका है परऑक्साइड। बताइए फिजिकल प्रॉपर्टी परऑक्साइड का तुम लोग नहीं। पढ़ोगे, ये सब मैंने बता दिया है ना, बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट। अच्छा, पर हाइड्रोल लिखा है 30%, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर है ना। यहाँ देखो H2O2 जब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रहेगा तो ये O2 बन जाएगा। अभी यहाँ कितना है? -1। अब कितना हो गया? 0। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट इसको क्या कर रहा है? जब इसका रिड्यूसिंग एजेंट वाला नेचर रहेगा तो ये सामने वाले को क्या कर रहा है? रिड्यूस, खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। अभी -1 से कितने पे आ गया? -2। तो ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला नेचर है। जिसका खुद का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला नेचर होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। देखो -1 था, -2 हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। और ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या है? इसमें -2 भी है और इसमें कितना है? -1/2, -1/2 होगा। हाँ ठीक है, ऐसे होता है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है? दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेना। देखो यहाँ Fe+2 था, इससे एक इलेक्ट्रॉन ये छीन लिया और बन गया Fe+3, इसको बना दिया Fe+3। सेम कहानी, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया और इसको बना दिया ये, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया इससे को बना दिया ये, और खुद कैसे बन जाता है? H2O में। खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखो H2O2 से कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ रिड्यूसिंग बिहेवियर, यानी ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा कि भैया इलेक्ट्रॉन ले तू और ये बन जा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा कि ले ये बन जा, और खुद क्या बन जाएगा? O2 में। बताओ कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत, बोलो ममता। नहीं सर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड का बात करें तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये है, ये अलग अलग फेज में है, यानी कह सकते हो अलग अलग। हमारे घर का दीवार जो है ना, तो एक दीवार ये समझ जाओ, या लैपटॉप समझ जाओ, लैपटॉप जैसे खुला है, लैपटॉप का ये सामने वाला है, लैपटॉप का ये पीछे वाला है, तो इसको एक फेज कहते हैं और इसको दूसरा फेज कहते हैं। इन दोनों में फेज का एंगल देखो जरा, इसको बस ध्यान रखना, ये 111.5 डिग्री और इस फेज में 90.2 डिग्री। क्यों? ये सॉलिड फेज है, ये गैस फेज है। ऐसा क्यों होता है? गैस कब बना होगा? जब एनर्जी इसका ज्यादा होगा। भाई इसका एनर्जी ज्यादा होगा, कॉमन सी बात है, हाँ या ना? एनर्जी ज्यादा होगा, तो एनर्जी ज्यादा तो ये नहीं बॉन्ड आपस में थोड़े दूर चले गए, इसीलिए एंगल ज्यादा होता है। बताओ, इसका यूजेस तुम्हें पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म हो गया। तो मिलते हैं बच्चों,
नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना है, एक क्वेश्चन आता है नहीं आता है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।